हेलो एवरीवन वेलकम टू लर्न विश्व तो आज हम ब्लैक एरोप्लेन के थिंकिंग अबाउट दैट इसके क्वेश्चंस करेंगे ठीक है क्लास टेंथ इंग्लिश की तो फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा आई विल टेक द रिस्क व्हाट इज़ द रिस्क व्हाई डज द नरेटर टेक इट तो अब यहाँ पे कौन से रिस्क की बात की जा रही है वो हमें बतानी है कि मैं रिस्क ले, ले लेता हूँ तो वो रिस्क क्या है आपको बताना और नरेटर क्या लेते हैं ठीक है टेक इट सो द पायलट ऑफ डोटा डी एस जीरो एट एट आपको ये चीज़ याद रखनी है आप इसे आंसर में मैंशन करेंगे तो आपको मार्क्स अच्छे मिलेंगे ठीक है द प्लेन वॉज नीड टू रीच होम इन द इंग्लैंड टू स्पेंड अ हॉलीडे विद दिस फैमिली तो अब पायलट को क्या था नरेटो को क्या था कि उनको जाना है इंग्लैंड उनका होम टाउन है इंग्लैंड वहाँ पर उनका घर है उनकी फैमिली है तो उनको वहाँ पर जाना था हॉलीडे के लिए ठीक है तो अब उन्हें इंग्लैंड से इंग्लैंड जाना था और सडनली क्या हो जाता है रास्ते में ह्यूज डार्क और स्टॉमिक क्लाउड्स आ जाते हैं ठीक है तो वो इतने खुश थे इस चीज़ को लेकर कि मैं अपने घर जाने वाला हूँ उन्होंने आगे सिचुएशन को एनालाइज़ ही नहीं किया और वो उन डार्क स्टॉमिक क्लाउड्स में आगे गए घुस गए ठीक है तो वही चीज़ नरेटर ने वो रिस्क लिया तो आगे पढ़ते हैं बट ही सडनली फाउंड हिमसेल्फ सराउंडेड बाय द ह्यूज डार्क एंड द स्टोमी क्लाउड्स सो ही डिसाइडेड टू फ्लाई स्ट्रेट इन टू द स्टॉम एज ही डो नॉट वॉन्ट टू मिस द अपॉर्चुनिटी टू मीट हिज फैमिली ठीक है वो अपनी फैमिली से जो ये अपॉर्चुनिटी मिली थी उन्हें मीट करने की ठीक है फॉर द इंग्लिश ब्रेकफास्ट जैसे वो मॉर्निंग में इंग्लिश ब्रेकफास्ट कर सके अपनी फैमिली के साथ ही टुक द रिस्क ऑफ फ्लाइंग थ्रू द स्टॉम इवन वैन द विजिबिलिटी वॉज ऑलमोस्ट दैट अब ब्लैक क्लाउड्स थे सब कुछ ब्लैक था तो इसीलिए विजिबिलिटी जो थी जब वो क्लाउड्स में घुस गए थे स्ट्रेट ठीक है तो विजिबिलिटी क्या हो गई थी बिल्कुल ज़ीरो हो चुकी थी बिल्कुल नल हो चुकी थी ठीक है तो भाई जी इसमें बताना है कि उसमें उन्होंने क्या रिस्क लिया था नेक्स्ट क्वेश्चन है डिस्क्राइब द नरेटर्स एक्सपीरियंस आज ही फ्लू द एरोप्लेन इं टू द स्टॉक तो अब नरेटर का एक्सपीरियंस बताना है उस सिचुएशन में क्या क्या हुआ था जब वो स्ट्रॉम के अंदर घुस गए थे एरोप्लेन को लेके ठीक है तो पायलट ने बिग स्ट्रॉम के अंदर एंटर कर दिया था बिग स्ट्रॉम ऑफ द क्लाउड्स ठीक है तो क्या था वो ओल्ड कोटा था उनका जो प्लेन था वो ओल्ड था थोड़ा सा अब न्यू एरोप्लेन तो फिर भी ये सब चीज़ें झेल लेता है लेकिन वो थोड़ा सा ओल्ड हो गया तो इसीलिए वो र, क्या कर रहा था एरोप्लेन वो जम्प एंट्रोल कर रहा था एयर में ठीक है बहुत ज़्यादा हिल रहा था जंप कर रहा था सो so, वो एक तो वो कहीं बाहर नहीं देख पा रहे थे कुछ देख नहीं पा रहे थे कि आगे क्या है क्या डायरेक्शन है वो कुछ भी नहीं देख पा रहे थे उनका जो कंपास जो अदर इंस्ट्रूमेंट्स थे वो भी क्या हो गए थे बंद हो गए थे उस वेदर की वजह से ठीक है सडनली क्या हुआ था नरेटर को अदर एरोप्लेन दिखता है और पायलट जो है वो वहाँ के वेव करते हैं दूसरे अदर एरोप्लेन के ठीक है ही वॉज मच रिव्यू टू फाइंड सम वन सेलिंग विथ हिम इन द सेम बोट अब ऐसा होता है ना कि अगर आप क्लास में हो या मैंने आपको चैप्टर जब लाइन बाय लाइन एक्सप्लेनेशन पढ़ा था हमने ब्लैक पेन उसमें भी मैंने एग्जांपल दिया था कि अगर खाली आपको पूरी क्लास में पनिशमेंट मिलती है तो आपको बहुत बुरा लगता है लेकिन अगर आपके साथ कोई और आपका फ्रेंड वगैरह हो ठीक है तो आपको इतना बुरा नहीं लगता है आपको पता होता है कि हाँ ये मेरे साथ है तो वही सिचुएशन थी यहाँ पे पोइट के साथ नरेटर के साथ ठीक है हाउ एवर द थाट ऑफ द लेसर फ्लू फिल उसके बाद क्या होता है वो थोड़ी उसे उस एरोप्लेन को फॉलो करते रहते हैं फिर उतना फ्यूल बचता है कि वो टेन मिनट्स और उस एरोप्लेन को उड़ा पाएंगे ठीक है फिर वो उसका एक्सीडेंट भी हो सकता है तो उन्होंने उस सिचुएशन को एनालाइज ही नहीं किया कि स्टॉमिक घुसने के बाद क्या हो सकता है तो उसने अदर पायलट को क्या किया फ़ॉलो किया था उन्होंने ठीक है और उन्होंने ये चीज़ रियलाइज़ की कि वो रन वे पर चुके हैं और वो लैंड भी उन्होंने सेफली कर लिया है फ्यूल ख़त्म होने से पहले तो ये पूरी सिचुएशन थी जो कि आपको इसके अंदर लिखनी है आगे देखते हैं थर्ड व्हाई डज द रेटर सी आई लैंड एंड वाज नॉट एंड वाज नॉट सॉरी टू वॉक अवे फ्रॉम द ओल्ड कोटा अब उन्होंने लैंड कर लिया था और वो सॉरी भी नहीं थे कि वो ओल्ड कोटा से वॉक कर लिया था उन्होंने तो मतलब इसमें हमें ये बताना है कि वो आराम से बहुत ही अच्छे से लैंड हो चुके थे इस हॉरेबल सिचुएशन से ठीक है उन्होंने जो ये एक जो एक्सपीरियंस किया था वो इसमें आपको लिखना है ठीक है आफ्टर लैंडिंग सेफली द रेट वॉज नॉट सॉरी टू वॉक अवे फ्रॉम द ओल्ड पोटा एस ही हैड एक्सपीरियंस एंड आर्म इन स्केरी फ्लाइट इन दैट प्लेन मोर ओवर ऑल ही वॉन्टेड टू डू एट द टाइम वॉज टू टैंक द अदर पायलट हु दॉरेबल सिचुएशन जब उन्होंने लैंड कर गए तो उनको सिर्फ एक ही चीज़ याद याद थी कि वो अदर पायलट जिसने उसकी हेल्प की थी उन्होंने उनकी हेल्प की थी सेफली लैंड करने के लिए ठीक है तो वो उनको थैंक यू बोल पाए ठीक है सिर्फ उनको उस समय पे वही चीज़ याद थी कुछ और चीज़ याद नहीं था नेक्स्ट देखते हैं फोर्थ क्वेश्चन व्हाट मेड द वुमेन इन द कंट्रोल सेंटर लुक एट द नरेटर स्ट्रेंजली अब कंट्रोल सेंटर में जो वुमेन बैठी थी वो ने स्ट्रेंजली क्यों दिख रही थी क्योंकि जो अदर एरोप्लेन उनको कुछ उस वूमेन को कुछ रिडार पर नहीं दिख रहा था सिर्फ एक ओल्ड कोटा एरोप्लेन ही था जो उन्हें रिडार्क पर दिख रहा था इसीलिए बहुत स्ट्रेंजली देख रही थी आपको लिख देना यहाँ पे एज सून एज एटेड लैंडिंग ऑन द रनवे सेवली ही वॉन्टेड टू कंट्रोल सेंटर टू नो अबाउट द पायलट ऑफ द ब्लैक एरोप्लेन एंड ऑर्डर टू थैंक यूम फॉर एम्स हेल्प तो ये हेल्प करने के लिए वो उन्हें थैंक यू बोलना चाहते थे लेकिन बट द वुमेन इन द कंट्रोल सेंटर लुक डेट हिम स्ट्रेंजली वो स्ट्रेंजली क्यों देखती है क्योंकि क्यों, वो सरप्राइज होती है उसके क्वेश्चन से क्योंकि कोई अदर एरोप्लेन था ही नहीं उस रात ठीक है रिडार में उनको कोई अदर एरोप्लेन शो ही नहीं हो रहा था द रिडार शो द नरेटर प्लेन एज ही ओनली वन इन द नाइट स्काय ठीक है इसीलिए कंट्रोल सेंटर की जो वुमेन है बहुत स्ट्रेंजली देखती है फिफ्थ क्वेश्चन लास्ट क्वेश्चन है हु डू यू थिंक द नरेटर टू रीच सेफली Discuss this दिस अमंग and give एंड गिव द रीज़न फॉर योर आंसर्स अब कैसे वो उस ब्लैक एरोप्लेन के बारे में कुछ हमें पता ही नहीं चला लास्ट में कि वो कौन था क्या था वो अचानक से गायब हो गया कंट्रोल सेंटर की जो वूमेन थी उनको भी नहीं पता तो आपको एक एक, एक इसका जवाब देना है कि क्या हो सकता है वो ठीक है तो मैंने यहाँ पे लिख रखा है आप इसे अपना अकॉर्डिंग लिख सकते हो मैंने जि, मुझे जितना समझा है मैंने उतना लिखा है इसकी कोई डेफिनेट एक्सप्लेनेशन नहीं है उस अपीरेंस वो ऑफ द अन पायलट की ठीक है उस ब्लैक एरोप्लेन की तो हम ये चीज़ एज्यूम कर सकते हैं कि नरेटर ने खुद ओवरकम किया अपने फियर को ठीक है हम ये चीज़ में बोल सकते हैं और कोई अदर एरोप्लेन जो था वो विजिबल नहीं था सिर्फ एक ही एरोप्लेन विजिबल था दैट इज़ डिकोट डी एस ज़ीरो एट एट ठीक है तो आप ऐसे करके एज्यूम करके लिख सकते हैं फिर अगर एक्ज्यूम ही करना पड़ेगा क्योंकि लास्ट में आपको कुछ एक्सप्लेनेशन गिवन नहीं है इससे रिलेटेड ठीक है आई होप आपको क्लियर हो गया होगा ये पूरी पी डी एफ दैट इज़ पार्ट वन के क्वेश्चन और पार्ट टू के क्वेश्चन दोनों के पी डी एफ मैं टेलीग्राम पर डाल दूंगी वीडियो जाते ही ठीक है तो कीप सपोर्टिंग मी थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग कोई सजेशन होता है वीडियो से रिलेटेड तो मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग बाय बाय